सबको नमस्ते। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, मुझे पता नहीं था कि मैं यहाँ तक आऊँ और मुझे मतलब इतना अच्छा मौका मिलेगा। बहुत ही अच्छा, नया लोग, नया पहचान, नया सीख मुझे सीखने को मिला, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। आपने कभी सोचा था कि मिसेस इंडिया वर्ल्ड में आप सेकंड रनर अप मिलोगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं टॉप 20 में आई थी, तो मुझे नहीं लगा कि मैं इतना काबिल हूँ बोल के, क्योंकि एक से बढ़कर एक टफ कंटेस्टेंट लोग था, तो बहुत ही नर्वस फील, तो मेरा बहुत फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे बहुत मुश्किल से सामना करना पड़ा है। अपार्ट फ्रॉम सेकेंड रनर अप, तो आपको और टाइटल मिला है क्या? हाँ, यस, मुझे ये मिसेस टैलेंटेड मिला है। तो और आपका फ्यूचर प्लान क्या है? 2020 को मुझे मिसेस एशिया में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है, तो मैं कोशिश करूँगी कि इससे और अच्छा परफॉर्मेंस करूँ और अपने अरुणाचल के नाम रोशन करूँ और इंडिया के लिए। मैं शुक्रगुजार हूँ डेजल मिस एंड मिसेस इंडिया वर्ल्ड 2019, तबसुम मैम, साइनी मैम, बीडी शांति मैम एंड एंजल ताओ, जिन्होंने मुझे इस मंच तक पहुँचाया, मुझे इस लायक काबिल समझा। तो मैं कोशिश करूँगी जब मैंने मिस एशिया में जाऊँ और मैं इससे भी अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाऊँ। थैंक यू सो मच। आपका बेटी ने डेजल मिसेस इंडिया वर्ल्ड में सेकंड रनर अप मिला है, तो आपको कैसे महसूस हो रहा है? हमको बहुत खुश हो रहा है ना उसका, जैसे हम कैसे कभी भी हम ऐसे सपना भी ऐसे होगा बोलकर कभी सोचा नहीं था। अभी हम बहुत खुश हो रहा है ना भगवान के इच्छा से, यो अपना से कभी दुनिया को इधर से कैपिटल इधर से लेकर और कभी बाहर में कभी जाकर नहीं देखा है तो ना। तो उस दिन में बीमार होकर एक बार गुवाहाटी गया और एक बार चेकअप करने के लिए गया, और उस दिन में भी हम तो उसको मालूम नहीं था, तुम उधर में इतना दुनिया का सामने में तुम कभी आगे बाहर में जाकर नहीं देखा है तो ना, उधर में गायब भी हो सकता, तुम अकेला कोई भी ना कैसे करके जाएगा बोला। हो तो ना मम्मी जाकर देखा, सुबह में बोला ना रात को बोला हमको मम्मी बहुत डर भी लगता है बोला, हम डर लगता मौत जाओ ना कोई भी नहीं उधर गायब हो जाने क्या होगा बोला, नहीं गायब होने से हो जाए हम निकल जाएगा बोला, वो निकल गया। हम तो कभी सपना भी सोचा नहीं था मेरा बेटी वो कभी बाहर में दुनिया को बाहर का दुनिया कभी जाकर नहीं देखा है ना, ऐसे मिलेगा बोल के हम सपना भी नहीं। अभी बहुत दुनिया बात कुछ थैंक यू दे रहा है भगवान को भी ना, ये उसको हम क्या बोलेगा ना, हम सामने हम कभी ऐसे सपना भी नहीं देखा था।